नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला। 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महानगर पालिका की सबसे बड़ी जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जहां पर कार्रवाई करनी होती है उसको सही ढंग से कार्रवाई भी करनी होती है। इसी जवाबदारियों को पूरी तरह से निभाने के लिए ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ठीक उसी तरह से महानगर पालिका को भी जवाबदार माना जाता है। यहाँ पर अगर किसी क्षेत्र में इल्लीगल काम हुआ है और 14 फुट से ऊपर की कोई इमारत बनी हुई है बिना परमिशन के, तो उसके ऊपर यकीनन महानगर पालिका का हथौड़ा चलना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में तब भ्रष्टाचार का माहौल बन जाता है जब इमारतें नहीं टूटती और सारे मनपा अधिकारी जो है अपनी आंखों पर रिश्वत की पट्टी चढ़ा लेते हैं। आज मनपा के इस सांता क्रूज विभाग में भी यही सब गोरख धंधा चल रहा है। वार्ड ऑफिसर शशाने मैडम, अलका शशाने मैडम, इन्होंने निर्देश तो दिया आशिफ शाह के कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई करने की, लेकिन ए अनप और जे नितिन बदाने इन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब हम आम जनता से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसे अधिकारियों का महानगर पालिका में बने रहना सही है या गलत? इलीगल जो काम चल रहा है तो आपने कौन कौन से अधिकारी से बात किया था और उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? मैंने जूनियर से और जेई से और एई से बात किया था। वो तो बात करने से ही भाग रहे हैं, जवाब दे ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? वार्ड ऑफिसर से आपने बात किया तो? वार्ड ऑफिसर से भी मैंने बात किया। वार्ड ऑफिसर से बात करने के बाद उन्होंने मुझे लेटर दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अनाप सर को लिखा उन्होंने, तो भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह है 7 जनवरी का, तो आज होगा लगभग एक महीना। क्या आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर या अनाप जी को ए अनाप के नाम पे वार्ड ऑफिसर ने दिया हुआ है एक इंस्ट्रक्शन कि इंस्पेक्ट द साइट, फॉलो डीपीएल एंड डेमोलाइज। तो इसका मतलब ये होता है कि साइट को इंस्पेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ पर गड़बड़ी है, रूल फॉलो नहीं हुआ है, तो उसको डेमोलाइज करना जरूरी है। लेकिन क्या वो डेमोलाइज हुआ है? नहीं हुआ है ना सर, वो स्ट्रक्चर डेमोलाइज हुआ ही नहीं है। तो इसके बाद में आपने फिर से वार्ड ऑफिसर को मिलने की कोशिश की? मैं वार्ड ऑफिसर से मिलने की कोशिश की, वार्ड ऑफिसर मिलने से इनकार कर दिया। ये क्या कोई अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? अगली कार्रवाई ये है कि मैं ऊपर तक जाऊंगा, जहां तक जाना है जाऊंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखा के रहूंगा मैं। को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।